सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो पर हम बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम की रील्स वीडियोस को हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे कैसे इजीली अपडेट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है अपने रील्स वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है लगाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो को व्हाट्सएप के स्टेटस पे कैसे लगाते हैं। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको यही बताऊँगा कि आप रील्स वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कैसे ईजिली लगा सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ, आपको दिख रहा होगा मैंने इससे पहले भी वीडियोस बना रखी है कि इंस्टाग्राम के रील्स वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कैसे लगा सकते हैं। आप चाहो तो उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं, उनमें मैंने बता रखा है, लेकिन इस वीडियो पर मैं आपको बताऊँगा एक अलग तरीके से, क्योंकि जो है पहले इंस्टाग्राम पर रील्स अलग तरीके से आती थी, लेकिन अब जो है अलग तरीके से आती है। तो मैं आपको बताऊँगा कि अब कैसे आप अपनी रील्स वीडियोज़ को इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कैसे ईजिली लगा सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं ऐसे रील्स की सेल्फ पर क्लिक करता हूँ, वहाँ से आपको दिखाते हो कि रील्स वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कैसे ईजिली लगानी विदाउट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो अभी आपको दिख रहा होगा एक रील्स वीडियो है, और मैं आपको बता दूँ कि इसमें म्यूज़िक नहीं हटेगा, म्यूज़िक के साथ आपकी इंस्टाग्राम जो रील्स वीडियो है वो आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर आएगी। तो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर शेयर करने का, आपको वहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको ऐड रील टू योर स्टोरी पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लोडिंग लेगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ से ये जो रील्स वीडियो है आपके इंस्टाग्राम स्टोरी पर ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी यहाँ से थोड़ा सा बड़ा या छोटा जो है इजीली एडजस्ट भी आप इजीली कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैं आपको यहाँ पर से इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और करने के बाद जो है ऊपर आपको एक सेव करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली से वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद जो ये वीडियो ये रील्स वीडियो है विद म्यूज़िक के साथ, म्यूज़िक नहीं हटता है, विद म्यूज़िक के साथ आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वीडियो जो है सेव हो रही है। तो वीडियो जो है हमारे गैलरी में सेव हो चुकी है। गैलरी में सेव होने के बाद आपको पता है क्या करना है, आपको अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपको दिखाता हूँ गैलरी में जाकर मेरे फ़ोन की जो फोटोज़ है इसमें वीडियोज़ आती है, मैं आपको दिखाता हूँ जो वीडियो हमने सेव करी थी वो एक वीडियो फॉर्म पर ही सेव हुई है, ना कि कोई इमेज फॉर्म पर। लोग कहते हैं कि सिर्फ फोटो सेव होती है, लेकिन नहीं, वीडियो भी वीडियो ही सेव होती है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो वीडियो आपके फ़ोन में ज़रूर सेव होगी। तो आपको दिख रहा होगा ये रील्स वीडियो जो मेरी गैलरी में आ चुकी है कि वीडियो फॉर्म पर है, और साथ में इसमें म्यूज़िक भी आ रहा है, लेकिन मैं म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकता क्योंकि इसमें कॉपीराइट जो है मेरी वीडियो पर आ जाएगा। तो भी आपको दिख रहा होगा मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ यहाँ से, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद जो यहाँ पर स्टेटस पर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पर कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और कैमरे वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ से वो वाली वीडियो आपको टॉप पर दिख जाएगी। आपको सिंपली से उस वीडियो पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको सेंड कर देना। सेंड करने के बाद ये वीडियो आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर जो है अपडेट हो जाएगी। सो गाइस, ऐसे करके आप जो है रील्स वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर ईजिली अपडेट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर इतना था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।